हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट बुक्स फॉर जेई फिजिक्स। इन सभी बुक्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहाँ से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मस्ट हैव बुक्स। ये सारी बुक्स, चाहे आप कोचिंग जा रहे हों या नहीं जा रहे हों, चाहे आपका टारगेट जेई मेन्स हो या एडवांस हो, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बुक आती है एचसी वर्मा की वॉल्यूम 1 और 2। एचसी वर्मा में काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, सफिशियंट थ्योरी दी गई है और उसके बाद उन थ्योरी को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। ये बुक एकदम एडवांस लेवल तक तो नहीं जाती, लेकिन अगर आपको शुरुआती अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए किसी चैप्टर के अंदर, जैसे कौन सा टॉपिक किस चीज़ से कनेक्टेड है या कौन से टॉपिक का सीक्वेंस है, तो एचसी वर्मा उसे स्टार्ट करने के लिए बेस्ट बुक होती है। नेक्स्ट है आई इरोडो के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद कॉन्सेप्ट्स और कॉन्फिडेंस को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलता है। इसके क्वेश्चंस आपको सारे नहीं करने होते, कुछ सेलेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है 43 इयर्स की जो पास्ट ईयर पेपर्स की बुक आती है। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस करने से असली एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका आइडिया लगता रहता है। मैं जनरली अरिहंत वाली इसे रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये जनरली काफ़ी ज़्यादा प्रूफ रीड की गई है और इसमें कम गलतियाँ हैं बाकी पास्ट पेपर्स के कंपैरिजन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ें ऑप्शनल बुक्स। इन बुक्स को आप तभी यूज़ करें अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है या फिर आपके कोचिंग के टीचर ने इनमें से किसी एक को रिकमेंड किया है। इसमें सबसे पहली बुक आती है बीएम शर्मा की सिंगेज वाली सीरीज़। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है और कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो फिर आपको आई इरोडोव करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो अच्छे वाले हैं इरोडोव के, उन्हें उठाकर डाला गया है। लेकिन याद रखें, ये बुक आप जब बना रहे हो तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी अच्छे से करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल्स के अंदर ही है। नेक्स्ट है डीसी पांडे। डीसी पांडे भी बीएम शर्मा से सिमिलर बुक है। इसमें एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा, डीसी पांडे की क्वेश्चन प्रॉब्लम की एक बुक आती है सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स फॉर जेई। इसे भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना भी सफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट है रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर। तो ये एक थ्योरी बुक है। इस बुक को मैं पढ़ने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ जनरली, क्योंकि मैं सोचता हूँ क्वेश्चन से थ्योरी बेटर समझ में आ सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी इस बुक को आप रेफर करें। ये बुक पढ़ने से आपकी ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन भी थोड़ी बेटर होती है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये बुक की लिस्ट जनरली सारे फिजिक्स के मेजर बुक्स को कवर कर लेती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई अच्छी बुक अगर आपको मिल रही है, आपके टीचर उसे रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।